नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाल। सबसे पहले खबर आपको रायपुर से बताते हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी की बढ़त बरकरार है। बीजेपी 32 वार्डों में आगे चल रही है। कांग्रेस 29 वार्ड में बढ़त पर है, जो कि कांग्रेस 2 वार्डों में आगे है। निर्दलीय 7 वार्डों पर चल रहे हैं आगे। प्रमोद दुबे पीछे चल रहे हैं। तो आपको बता दें, रुझान में बीजेपी की बढ़त बरकरार है। बीजेपी 32 वार्डों में आगे चल रही है, कांग्रेस को 29 वार्डों में बढ़त मिली है। तो वहीं जेसीसी जे 2 वारों में आगे है, प्रमोद दुबे पीछे चल रहे हैं। रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी 32 वारों में आगे बताई जा रही है, कांग्रेस को 29 वारों में बढ़त मिली है। तो वहीं जेसीसी जे 2 वारों में आगे चल रही है, प्रमोद दुबे पीछे चल रहे हैं। ताजा रुझान में बीजेपी की बढ़त जो है बरकरार है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी 32 वार्डों में आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस को 29 वार्डों में बढ़त मिली है। बात करें जेसीसी जे की, तो वार्डों में 2 वार्डों में वो आगे चल रही है, प्रमोद दुबे पीछे चल रहे हैं। बीजेपी 32 वार्डों में आगे चल रही है। आपको बता दें, रायपुर से खबर, कांग्रेस को 29 वार्डों में बढ़त मिली है। तो वहीं जेसीसी जे 2 वार्डों में आगे चल रही है। तो आपको बता दें, सुबह से ही जो है मतगणना शुरू हो चुकी है और लगातार रुझान जो है सामने आ रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस जो है लगातार रुझान जो है हर कहीं के आपको दिखा रहा है, ताजा अपडेट्स आपको दे रहा है। वही हम बात करें तो बीजेपी अभी जो है आगे चल रही है, कांग्रेस 29 सीटों पर आगे चल रही है। अधिक जानकारी के लिए हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, अभी तक के क्या अपडेट्स? हेमंत, सुन पा रहे हैं आप जी? अभी तक के क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? हाँ, देखिए, अभी ताजा रुझान जो निकल कर सामने आए हैं उसके मुताबिक सबसे बड़ी खबर यह है कि जो वर्तमान महापौर है प्रमोद दुबे, वो 2 राउंड तक 197 वोट से पीछे हो गए हैं। अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो जो निर्दलीय प्रत्याशी है राजकुमार वाडिया, वो पूरे तरीके से भाजपा के प्रत्याशी सचिन मेघानी का वोट काटते नजर आ रहे हैं। जो अभी पिटारा खुला है वो वहां पर जो कटोरा तालाब का है, जहां पर सिंधी वोट ज्यादा है और राजकुमार वाडिया सिंधी समाज से आते हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जाए तो हालांकि ठीक है प्रमोद दुबे पीछे, लेकिन सीधा नुकसान बीजेपी को वहां से हो रहा है। हालांकि अभी भी 197 वोट से जो प्रमोद दुबे हैं वो पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के दिग्गजों की बात की जाए तो राजीव अग्रवाल भाजपा के जिला अध्यक्ष, वो पीछे चल रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जो महापौर पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, वो भी लगातार पीछे चल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हेमंत जानकारी को साझा करने के लिए। राजधानी के स्टेज बाहर मतगणना स्थल पर मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर दृश्य आपको दिखाएं। आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं मतगणना केंद्र का, जहाँ पे लगभग हर कमरे पे 9 वार्ड का मतगणना जारी है। तो इस तरह लगातार मतगणना चल रही है। अभी हाल में ही 9:30 बजे के पहले डाक मतपत्र की गिनती हुई है, जिसमें लगभग 29 वार्ड में बीजेपी आगे थे। अभी मतपेटी खोला गया है और जो बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है। तस्वीर आपके सामने, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सीधा तस्वीर मतगणना केंद्र से है, जहाँ आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। ये है, आप यहाँ पे सुन सकते हैं कि हर वार्ड का जो अनाउंस किया जा रहा है, हर मतपेटी के बाद बताया जा रहा है कि कहाँ किसको कितना वोट मिला है और कितने जो बैलेट पेपर है मान्य है, कितने में अभी संख्या है, कितनी की गिनती हुई है। इस वक्त हमारे पास नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे अभी हाल में ही डाक मतपत्र की गिनती हुई है, क्या उसमें आया है? देखिए, हमारे वार्ड में मात्र 2 डाक मतपत्र आए हैं। उसमें एक डाक मतपत्र भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और एक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आया है। और जिस तरह से मतगणना अभी प्रारंभ हुई है,
और मतगणना का जो प्रारंभिक रुझान उससे मुझे पूरा विश्वास है कि हमें इस चुनाव को फिर से जीतकर भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने वार्ड में खिलाऊंगा और पुनः नगर निगम में जाकर जनता की सेवा करने का मुझे जनता ने अवसर दिया, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तो अभी आपने सुना सूर्यकांत राठौर जी को जो निगम का नेता प्रतिपक्ष है और हम मतगणना स्थल पे मौजूद हैं। मैं कैमरा मैन से कहूंगा एक बार और आपको यहाँ पे स्थिति आपको दिखाए, हर प्रत्याशी के उनके जो गिनती हो रही है वहाँ पे चार चार पांच पांच लोग हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। यहाँ पे मतपत्र जो गिनती है उसको लेकर लगातार विवाद हो रही है, इसको सुलझाने के लिए अधिकारी यहाँ पे जुटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि ये स्थिति कब तक बनी रहती है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग होने के दौरान हर कक्ष में चार पांच वार्ड में विवाद की स्थिति यहां पे निर्मित होती जा रही है। तो फिलहाल व्यवस्थाओं से तो प्रत्याशी और उनके जो कार्यकर्ता हैं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक ये मतगणना की गिनती हो पाती है और कौन यह अपने सत्ता में काबिज होता है। कैमरामैन रेखा प्रसाद सत्यराजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।